हम देखेंगे HCF के कुछ क्वेश्चंस और हम इनको करके दिखाएंगे। और लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग देखना है HCF का। तो देखिए, H का मतलब होता है हाई, हाईएस्ट। हाईएस्ट। अब हम करेंगे C का, तो इसका लिख लेंगे कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। और F का मतलब होता है फैक्टर, तो ये बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें सबसे पहले करना है इस सवाल को, 5 और 25 को। तो इसका हमें HCF मालूम करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टर। तो लिख के दिखाती हूँ। तो इसी लाइन को हम नीचे लिखेंगे एक मर्तबा। अब हम नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर और यहाँ पे लिखेंगे हम नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और इज इक्वल लगा, और हम यहाँ पे 25 नीचे वाले पे लिखेंगे और इज इक्वल का दें। अब हम इनको मालूम करेंगे, इनका HCF मालूम करेंगे। तो HCF मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इधर लिख लेना है, इस तरह की लाइंस का लेनी है और लाइन लगाने के बाद जिसका मालूम करना हो वो लिख लेना है। तो हम सबसे पहले करेंगे 5 का, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे और जिसके टेबल में लिखना हो वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 5 किसी टेबल में नहीं आता क्योंकि वो इवन है, और वो अपने टेबल में आता है सिर्फ। तो हम लिख देंगे 5, 1005। तो ये हमारा हो जाएगा। और अब हम करेंगे 25 का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25। और 25 को लिखने के बाद ये जिसके टेबल के साथ हो सकता है उसको लिख लेंगे, तो ये 5 के टेबल में आ सकता है। तो 5, 5 हज़ार 25 आ जाएगा। तो हम अब 5 को ढूंढेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी काट देंगे, 5, 5, 1005 कर देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस वाली साइड को देखेंगे, इस साइड पे हम देखेंगे जो इस साइड पे आंसर आया होगा टेबल वाले साइड पे, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आया है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे दो बार 5 आ गया है। तो हम सबसे पहले जहाँ हमने लिखा था 5, तो 5 का हमने मालूम किया था, तो इसका सिर्फ आया था 5, तो यहाँ हम सिर्फ लिख लेंगे 5। और यहाँ पे हमारे पास दो बार 5 आया था, तो यहाँ पे भी हम 5, 5 लगा देंगे। और यहाँ जहाँ कॉमन फैक्टर है, तो वो देखिए वो क्या करना है, हमें इन में से देखना है जो सेम है उनको। जैसे ये 5 है, तो ये इसको हम मिला देंगे और ये बन जाएगा, इसके साथ कोई और नहीं है। तो अब हम करेंगे इधर हम लिखेंगे जो बन गया हो, तो ये 5 बन गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। और जो नॉन कॉमन होता है वो ना बना हो वो होता है, तो 5 नहीं बना ये वाला, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 5। अब हम इन दोनों में से देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में से दोनों एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे HCF 5। ये हमारा HCF मालूम हो गया है, तो इसका आंसर आया है 5। तो अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन बताएंगे, और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।